बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, समर 22 का पेपर 23 है ये, और इसका क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहले पार्ट में बोलो डिफाइन वेलोसिटी, तो इसका बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ही लिखनी है यहाँ पर, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगले पार्ट में बोल रहे हैं अ कॉन्स्टेंट ड्राइविंग फोर्स ऑफ 2400 न्यूटन एक्स ऑन अ कार ऑफ मास 1200 किलोग्राम। द कार एक्सलेट्स फ्रॉम रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग अ हॉरिजॉन्टल रोड। एज्यूम द रेजिस्टिव फोर्स ऑन द कार आर नेग्लिजिबल। तो एक कॉन्स्टेंट ड्राइविंग फोर्स है जिसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रही है, तो टोटल फोर्स जो मेरे पास हो गई वो 2400 न्यूटन ही हो गई है यहाँ पर, और कार का जो मास है वो 1200 किलोग्राम्स ही हो गया है, और वो मांग रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो वही बेसिक फॉर्मूला लगाना है, एफ इक्वल्स टू एम ए वाला, जिसमें नेट फोर्स मेरे पास 2400 है और एक्स और मास 1200 किलोग्राम्स है, तो इससे मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, दैट इज समवेयर अराउंड 2। तो ये मेरी एक्सेलरेशन हो गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑन फिगर 3 स्केच अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द वेलोसिटी वी ऑफ द कार फॉर द फर्स्ट 20 सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो ये इसमें मुझे स्केच करना है मुझे अपना ग्राफ फॉर दिस होल क्वेश्चन। जैसे मेरे पास वो इनिशियली स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, वो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इसको मैं रेड से बना रहा हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हर सेकंड में 2 मीटर की स्पीड का इंक्रीमेंट होता रहेगा, तो 20 सेकंड बाद इसकी इंक्रीमेंट 40 पे चली जाएगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, एक इन दो पॉइंट्स को आपने मैच कर देना है, और ये बात याद रखनी है कि मेरे पास कांस्टेंट ग्रेडियंट हो, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इस वाले सिनेरियो में। अच्छा, अब वो बोल रहा है इन रियलिटी अ रेजिस्टिव फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स ऑन द कार इन बी। द रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीजेस विद स्पीड अंटिल इट बिकम्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द ड्राइविंग फोर्स एट 12 सेकंड्स। एक्चुअल में रियल लाइफ सिनेरियो में ये हुआ है कि इसमें कुछ ना कुछ मेरे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिव फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। तो अब क्या होगा, अब ये इस तरह से इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि जो ओवरऑल फोर्स है वो 2400 है, जो फॉरवर्ड फोर्स है दैट इज़ 2400 न्यूटन, और पिछले वाले केस में मेरे पास बैकवर्ड फोर्स 0 थी। लेकिन अब ये बैकवर्ड फोर्स जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे ये कीप्स ऑन इंक्रीजिंग अनटिल अनलेस इट रीचेस 2400 न्यूटन। और अब जब 2400 न्यूटन पे पहुंच जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास नेट फोर्स 0 हो जाएगी एक टाइम पर आकर, और अब जब नेट फोर्स 0 हो गई, तो अब अगर मैं एफ इज इक्वल्स टू एम ए में इसको प्लग करूँगा, तो मेरे पास एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, और ये एक्सेलरेशन 0 हो रही है जब ये 12 सेकंड्स पे पहुंच रहा है। ये मुझे कैसे पता, वो इसलिए कि मेरे पास इक्वलेंट मैग्नीट्यूड हो गया 12 सेकंड पर। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी स्पीड बढ़नी कम हो जाएगी, बढ़नी बंद हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि 12 सेकंड तक इसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ रही है यहाँ पे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मोमेंट पे इसकी बैकवर्ड फोर्स फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 न्यूटन हो गई है, और फॉरवर्ड फोर्स वही है मेरे पास 2400 न्यूटन, तो अभी भी मेरे पास जो डिफरेंस है वो 1400 न्यूटन का है, इसकी वजह से मेरे पास अभी भी एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि 12 न्यूटन, मैं इसका स्टार्टिंग यहीं से होगी इसकी, लेकिन अब होगा क्या, 12 सेकंड तक है ना इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस वन, तो यहाँ तक स्पीड आ तो रही है, लेकिन इसके बाद फिर ये कांस्टेंट हो जानी है, तो क्योंकि इनिशियल तो वही है,
लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड कम होती, स्पीड तो बढ़ रही लेकिन एक्सेलरेशन कम होती जा रही है। एक्सेलरेशन कम, मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसी तरह दिखाता हूँ कि अगर मेरे पास इसका एक ग्रेडियंट कांस्टेंट हो जाए तो इसकी एक्सेलरेशन यहाँ पर ज़ीरो हो गई है और इसकी स्पीड भी बढ़ रही है लेकिन अब कम रेट से बढ़ रही है, पहले की नस्बत अब कम रेट से बढ़ेगी इसकी स्पीड। एट टाइम टी द ड्राइविंग फोर्स इज इंक्रीज टू 3000 न्यूटन एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट दिस वैल्यू। अच्छा, डिस्क्राइब हाउ द वेलोसिटी ऑफ द कार चेंजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन द ड्राइविंग फोर्स। अच्छा, अब हुआ ये कि अब मैंने हुआ क्या कि ड्राइविंग फोर्स को मैंने 3000 न्यूटन तक ले गया हूँ मैं 2400 से, और अब मैंने इसको कॉन्स्टेंट कर दिया है। तो अब क्या होगा, अब मुझे पता है कि अब फिर से वेलोसिटी इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीजेस, लेकिन क्या होगा, होगा ये कि एक टाइम बाद आके फिर से ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो तो नहीं होगी, टर्मिनल पे पहुँच जाएगी। तो अब मेरे पास न्यू टर्मिनल वेलोसिटी विल बी अचीव्ड। जिसकी वजह से मेरे पास अब जो एक ग्राफ है ना, अब ये थोड़ा सा और अब ये इधर तो आएगा लेकिन फिर से बढ़ेगा ये, लेकिन फिर जाके कांस्टेंट हो जाएगा इस तरह से ये। तो ये सिनेरियो है इसका।